हेलो। हेलो सर, हम बिहार से हैं। हम भी बिहार से हैं। कहाँ है सर? हम बताते हैं, हम एज बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कहाँ से आप स्टार्ट करोगे? कैसे वो मैनिपुलेट किया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा एज बिगिनर? तो अभी आप देखो, सबसे जरूरी चीज है कि आप एज अ बिगनर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप एक काम करो कि आपके जो पास में जो पॉलिटिशियन होंगे, आप उनके पास जाओ और आप उनसे कहो कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ आपके चुनाव में, आपके कैंपेन में। आप बताइए मैं क्या मदद, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यस सर। वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे, उस प्रॉब्लम का आप आंसर खोजो और फिर उनके पास जाओ। स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका यही है। जितनी ज्यादा लोगों से मिलोगे जो पॉलिटिशियन हैं, उनके जितनी प्रॉब्लम्स आपको पता चलेंगी, आप उतना ज्यादा उन प्रॉब्लम्स का आंसर खोजोगे। तो बस यही चाहिए, सारे लोग यहाँ यही कर रहे हैं। सर, गणेश सर बोले थे कि से हम एगो अधि एमएलए से बात किए थे, क्या नहीं आवाज आई थी क्लियर? तो उनका अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो कैसा वो फेस कर रहे होंगे? कभी कभी नहीं आता है, तो बहुत लगता है कुछ कमियां है इसमें, सुधार किया जाएगा। तो उसका क्या सिचुएशन आता है, सो हम या मैनिपुलेट सही से नहीं कर पाए? देखो, मैनिपुलेट किसको करना है आपको? आपको किसी को जो मैनिपुलेट नहीं मेरे करना। गणेश जी, आप आंसर देना चाहेंगे? आप समझ गए अनी का क्या? नहीं, मुझे नहीं समझा कुछ, मुझे इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या बोल रहे थे सर। हम किसी विधायक करके काम लेकर जाएंगे, आपसे बताएंगे सही सही से आपके कैंपेनिंग करना चाहते हैं, आपका ये वॉलेंटियर चाहिए, ये सीट चाहिए, वो हम उनको समझाएंगे, वो हमको काम सही से नहीं कर पाए, कुछ उनमें कमियां रहेंगे, तो आप लोग से हेल्प कैसे मिलेगी, ये पूछना चाहते हैं। अभी हेल्प तो अभी जैसे जैसे प्रॉब्लम आपका आएंगे, तब तब आप तो भास्कर सर से भी बात कर सकते, हम सभी से बात कर सकते, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को मिलना पड़ेगा, उनकी सर, क्या क्या प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, आप क्या दे सकते हैं, उनको बात करना पड़ेगी। उसमें आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि थोड़ी गलतियां हो जाएगी आपकी स्टार्टिंग में, थोड़ा घबराना नहीं, तो गलतियां से ही आप सीख जाएंगे, हमारे से भी गलतियां हो गई थी, लेकिन आपको तो जाना पड़ेगा और आपको देना पड़ेगा क्या क्या दे सकते आपको। अभी आप इलेक्शन के टाइम में अगर वहां पे जाएंगे तो हमारे जैसे और कोई ऐसे सर्विस देने वाले बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, तो उनसे भी आपको लर्न हो जाएंगे क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या बूथ मैनेजमेंट रहती है, फोटो लिस्ट क्या रहती है, सॉफ्टवेयर क्या रहता है, प्रिंटिंग का मटेरियल क्या रहता है, सर्वे क्या रहता है, ये सब बूथ पथनाट्य क्या रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ये सब एलईडी वैन क्या रहता है, डॉक्यूमेंटर क्या रहता है, सब आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा अलग अलग कैंडिडेट के पास। हाँ, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप कुछ सैंपल्स लेके जाएंगे, कुछ आप डेमो दिखाएंगे, तभी आप कुछ ना कुछ आपको मिल पाएगा काम, बराबर है? तो इसी से सीखते हैं। और उसके साथ आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, इसका लिंक हम भेज रहे हैं। ये प्रोग्राम इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कैंडिडेट से जब मिले, कैंडिडेट्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे कैंडिडेट से मिलके उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए और एक उनके टीम में कैसे उनके कैंपेन को बेस्ट प्लान किया जाए, उसी को इस प्रोग्राम में, ये प्ोग्राम पूरा उसी के ऊपर है कि एक विनिंग कैंपेन कैसे डिजाइन करते हैं और किस तरीके से जो कैंपेन में कैंडिडेट की हार हो जाती है, पार्टी की हार हो जाती है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें और उनकी कमियां कैसे दूर करें। तो इस प्रोग्राम में ये सारी चीजें आप सीख जाओगे, क्योंकि मिलने वाला बहुत सारा काम हमने भी किया हुआ है, आपके पहले भी लोगों ने किया है, और उसी बेसिस पे इसको बनाया कि जब आप जैसे न्यू कमर इसको देख के जाओ तो बहुत सारे आंसर्स पहले से आपके पास हों। हमको तो बहुत ऐसे कैंडिडेट का काम किया है, बहुत ऐसे क्लाइंट का काम किया है, लेकिन ये प्रोग्राम पे काम करने वाले कैंडिडेट बहुत कम है। हमें पता चला है कि ये ऐसे सब मिसिंग है कैंडिडेट के पास, ये कुछ वॉलेंटियर्स नहीं रहते, बूथ मैनेजमेंट नहीं रहता, माइक्रो वोटर टारगेटिंग नहीं रहता, प्रॉपर काम नहीं रहता, कुछ वर्कशीट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, हमें पता है।
हमारे पास क्लाइंट भी है अभी बहुत से ऐसे कि जिसको हम ये छाप सकते हैं। अभी तो हमारा यही चल रहा है कि ये ऐसे इस पे काम करना चाहिए उन्होंने, जो कि विनिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। तो आप जल्दी से जल्दी प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। बहुत सही बात गणेश बोली, आपको बस जाके ये प्रोग्राम छापना है वहां। यस सर, छापो, जाओ छापो, जाओ छापो। सर प्रोग्राम इनरोल करने का क्या प्रोसेस रहेगा? प्रोग्राम का लिंक मैंने अभी चैट में दिया है, आपको लिंक मिल गया? जी मिल गया सर। तो ये 10,000 का प्रोग्राम है, इसका फीस जो है वो 10,000 है और लाइफ टाइम है आजीवन, ठीक है। इसमें 7 days मनी बैक गारंटी है, मतलब अगर आप देखोगे आपको नहीं पसंद आया तो 7 दिन तक पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। आप बोल देना कि ये मुझे नहीं समझ में आया, कोई भी रीजन हो सकता है, आपसे रीजन नहीं पूछा जाएगा कि क्यों आप इसको नहीं करना चाह रहे हो। आप कहोगे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको मनी बैक मिल जाएगा जो भी आपने पैसे दिए हैं। बाकी इस प्रोग्राम को का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें जो भी कैंडिडेट और पार्टी अपने जहां जो भी इलेक्शंस जहां भी होते हैं उस इलेक्शन के लिए जो कैंपेन किया जाता है उस कैंपेन को कैसे डिजाइन करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उस कैंपेन का एक मैनुअल बन जाएगा। जस्ट इसमें जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जब आप क्वेश्चन आंसर सिर्फ करोगे तो इस टाइप की एक कैंपेन के लिए किताब बन जाएगी आपकी, और उस किताब के थ्रू आप उस कैंपेन को रन कर सकते हो। ये प्रोग्राम के बेसिस पे मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके काम लिया है मैंने, बूथ मैनेजमेंट का भी। आपको तो पता होगा अभी क्लाइंट तो बहुत है हमारे पास, लेकिन ऐसे काम करने वाले, ये पूरा मैनेजमेंट पे काम करने वाले बहुत कम ऐसे क्लाइंट है। ये जरूरी है, क्लाइंट को भी ये जरूरी है, लेकिन ऐसे लोग मिलते नहीं उनको। और इसमें एक बेनिफिट है इसमें कि वीकली यहाँ पे मीटिंग होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपने अलग देखे हुए कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस देखे हुए, एक बार आपको दे दिया बस उस पे आपने कुछ दिन बाद देख लिया, 1-2 महीने बाद में आप भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। यहाँ पे मीटिंग होती है, यहाँ पे डिस्कशन होता है, क्या आपके प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन होता है। ये मुझे भास्कर सर की बहुत अच्छी बात लगी, इसलिए मैं भी हमेशा मीटिंग में आता हूँ। आप डेली आते हैं? देखिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें कम्युनिटी बनाए कैंपेनर्स की। जी सर, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम पीके सर बनाए हैं ना, प्रशांत के सर, उनका भी एक कम्युनिटी है। हाँ, पीके ने भी अभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, तो उसमें हाँ, भी उनको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं आज के डेट में इस लाइन। तो वो अपना जो कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, आप देखो प्रशांत किशोर के कैंपेन में ये बहुत सारे एलिमेंट्स अगर आप स्टडी करोगे तो है प्रशांत किशोर के कैंपेन। घरे गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग किए हैं, बहुत खर्च किए हैं। वो सब तो आप बहुत ऊपर की बात कर रहे हो कि गांव-गांव जाके खर्च किए हैं, कैंपेन किए हैं, वो तो किए ही है, लेकिन पूरा सब कुछ एक स्ट्रेटजी के तहत वो कर रहे हैं। तो वो चीज है कि अब खैर दूसरे की हम लोग वो तो एक सक्सेस स्टोरी के जैसा है, तो आप भी प्रशांत किशोर बन सकते हो। प्रोग्राम का ये इंटेंशन है। यस, प्रशांत का जब आप कैंपेन स्टडी करोगे और आप इस प्रोग्राम से उसको रिलेट करोगे तो उसमें आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं मिलेगा जो कि यहाँ नहीं है। अब वहां पे क्या अलग है उस प्रशांत किशोर के कैंपेन में, कि प्रशांत किशोर ने अपने डिटर्मिनेशन के साथ उस चीज को ऑन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया। वो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है और सबका अपना डिटर्मिनेशन है, वो आपके अंदर कोई दूसरा नहीं डाल सकता है, वो खुद से आपको लाना हो आपका क्या विजन है। जैसे मेरा विजन है कि कैंपेनर्स की एक कम्युनिटी बनाना, तो मैं कम्युनिटी बना रहा हूं जहां पे जितना मैं जानता हूं उतना इस कम्युनिटी में सारे लोग जाने। कि आज इंडिया में जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर हम लोकल बॉडी ले लें,
लोकसभा ले लें, विधानसभा ले लें, काउंसलर्स ले लें, तो जो ये लोकल सारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, चाहे छोटा किया हो बड़ा किया हो, ये नंबर 1 करोड़ है। 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं जिन्होंने इंडिया में इलेक्शन कंटेस्ट किया है, अपने 20-30 लाख रुपए चुनाव में डाल दिए हैं लड़ने के लिए। तो जहां इतनी बड़ी संख्या में पॉलिटिशियंस हैं, आज हमारे यहाँ पे कंसल्टेंट्स कितने हैं जो उनको सर्विस दे सके? होगा सर 100 होगा। तो बहुत बड़ा गैप है। ये फील्ड ही पिछले 10-12 साल से लाइट में आया है, इससे पहले तो इस लोग नहीं जानते। प्रशांत किशोर से जानने लगे और सर उस टाइम से जानने लगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम से जानने लगे हैं, उस सब टाइम से वॉलंटियरिज्म काफी बढ़ गया है। सर आपको हम तब से फॉलो कर रहे हैं जब आप एक बार न्यूज टीवी पर आए थे, कोई न्यूज पर आए थे जब नीतीश कुमार सरकार बने, तैया से हम फॉलो कर रहे थे, बहुत छोटे थे तैया, आपको देखे थे, हमको स्मार्टफोन नहीं था, सोच रहे थे कब इनसे अति इंटरेक्शन होगा फिजिकली, तैया से हम देख रहे थे, और आज सौभाग्य है सामने मिले। हम आपको इंटरव्यू आया था आपका, जो आप बताए थे ग्राउंड रिपोर्टर के अनुसार हम देखे थे, जो आप दिए थे हाँ वो सर्वे था हमारा। हाँ हाँ उस समय से हम देख रहे हैं, अब तो बहुत साल हो गए। तो वही हम कह रहे हैं कि जहाँ पे ये 1 करोड़, तो आज के डेट में मैंने आपसे कहा कि लोगों ने चुनाव लड़ा है, उतने तो हमारे यहाँ कैंपेनर्स भी नहीं है अभी जो उनको हेल्प कर सके। हर किसी को, हर पॉलिटिशियन को एक बंदा तो चाहिए ही जो उसके साथ खड़ा रह के उसका कैंपेन डिजाइन कर सके। तो सोचो कि क्या आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, नंबर वन। और बहुत लोगों के पास है अभी अपॉर्चुनिटी। हमारा ये कम्युनिटी 10,000 लोगों का बने, हम ऐसा चाहते हैं टू स्टार्ट विद, ठीक है। अगर अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे तभी तो अच्छे लोग जीत के आएंगे। जी जी। और पॉलिटिक्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वैसे ही चेंज कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि अभी डिलिमिटेशन होने वाला है 2026 में, और ये जो हम 1 करोड़ का आपको नंबर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और कंटेस्टेड लोगों का बता रहे हैं, ये बढ़ के हो सकता है 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग हो जाएं। तो कम से कम 2-3 लाख कैंपेन प्रोफेशनल्स नहीं होंगे तो कैसे कैंपेन्स, मिनिमम तो इतने हमें चाहिए, और भी ज्यादा चाहिए। कितना बड़ा फील्ड है, और आप खुद अपने आसपास देख लो कितने लोगों को आप जानते हो जो इसमें एक्सपर्ट हो। नहीं, बस अपने लिंक्डइन पे लिख देने से, अपने को बोल देने से तो कोई नहीं बन जाता है एक्सपर्ट। नहीं नहीं, तो काम का तो कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए हमारा विजन है कि हम एक कम्युनिटी बनाए कैंपेनर्स का। Yes. इसी कम्युनिटी में से हो सकता है आपके जैसे लोग पॉलिटिशियंस भी बनेंगे, कुछ कंसल्टेंट्स बनेंगे, स्ट्रेटजिस्ट बनेंगे, कुछ पॉलिटिशियंस बनेंगे, और हर कोई जब अच्छे लोग इसी तरीके से सीख के आएंगे, जब चुनाव कम पैसे में हम लड़ लेंगे तभी तो अच्छे लोग आएंगे और हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। Yes, sir. तो हमारा ये विजन है और आप सब भी हमारे साथ हैं इस विजन में। बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं सर, तो यह हमारा स्मार्टफोन नहीं था। आर्यन जी बोले थे कि आर्यन जी बोल रहे थे कि पढ़े हैं ना, क्या बोल रहे हो सर, आप भी आईआईटी से पढ़े हैं ना? हाँ हाँ, हम आईआईटी से पढ़े। अच्छा सुनो, अभी ये मतलब बहुत ज्यादा मेरी बड़ाई नहीं करो, फिर उससे क्या होता है कि हम शर्मा जाते हैं फिर हम वीडियो ऑफ कर लेंगे, शर्मा जाएंगे तुम। अब बाकी लोग क्वेश्चंस सुनने दो। हाँ अरविंद जी बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि अभी तो हम ये इलेक्शन पीरियड में, तो अभी न्यू एंट्रेंट हूँ, तो इलेक्शन पीरियड में तो चलो काम है इसमें, ठीक है। जो भी मतलब सर्वे हो गया, बूथ मैनेजमेंट, वॉलंटियर मैनेजमेंट और कैंपेनिंग जो होगा, ये तो फुल फ्लेज में होगा, करेक्ट। अभी पोस्ट इलेक्शन में, पोस्ट इलेक्शन में फिर अभी तो 5 ईयर्स होगा, मतलब एकदम बड़ा गैप है। तो पोस्ट इलेक्शन में टू कीप सस्टेनिंग इसमें फील्ड में, अगर सस्टेन एटलीस्ट सस्टेनेंस के लिए भी
मतलब ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज है जिसमें हम, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स को सोशल सर्विस करना है और सोशल सर्विस सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं करेंगे, वो तो ऑन गोइंग रहेगा, तो क्या ऐसा होगा कि हम उनको, हम भी सस्टेन हो, हम भी हमारे सर्विसेज दें और साथ में हम उनसे जुड़े भी रहे, क्योंकि फिर इसमें गैप आ जाएगा, मॉनिटरी गैप आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर कंटिन्यूटी में थोड़ा इश्यू हो जाता है सर। तो गणेश जी आप देना चाहेंगे? हाँ यस सर, अभी आप जो बोले थे पोस्ट इलेक्शन, 5 साल के बाद एक ही इलेक्शन आता है, ऐसा नहीं रहता है कि लोकसभा, अभी लोकसभा विधानसभा हो गए तो ये लोकल बॉडी के इलेक्शन रहते, जिला परिषद के इलेक्शन रहते, कारपोरेशन के इलेक्शन रहते, जो सोसाइटी के इलेक्शन रहते, हर ना कुछ इलेक्शन चालू ही रहते, आप कुछ थोड़ा ब्रेक लेके एक्टिव रह सकते हमेशा। राइट सर, बराबर है, बिल्कुल। हर 5 साल में आपके यहाँ पे 3 चुनाव आते हैं, एक नहीं आता है, तीनों चुनाव अलग अलग टाइम पे होता है, और हर चुनाव से पहले कम से कम 6 महीना 8 महीना का प्रिपरेशन टाइम होता है जो कैंडिडेट कर रहा होता है। तो ये तो हो गया चुनाव चुनाव का, जो कि कई सारे ओवरलैपिंग होते हैं एक ही एरिया में, नंबर वन। नंबर टू, पोस्ट इलेक्शन सर्विसेज भी बहुत ज्यादा है, कोई भी कैंडिडेट जो जीत जाता है, जीतने के बाद और हार जाता है, जो भी पॉलिटिक्स में है, कभी आपने देखा है कि वो उसके बाद कुछ नहीं कर रहा है, हमेशा नेता ही रहता है, तो उसके पास काम कभी खत्म नहीं होता है, उसका नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाता है। जो हार गया उसका काम ये होता है कि वहां के जिन लोगों का काम नहीं हो रहा है वो उनका काम करवाए, उनके लिए आगे आवाज उठाए, जो जीत गया उसका काम है कि काम करना लोगों का। तो दोनों केस में जहां लोगों का काम हो रहा है वो, तो अगेन उनका डेटा मैनेजमेंट चाहिए होता है, अगर उनका डेटा मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे हो तो दोबारा से जब चुनाव आएगा तो आप फिर से उसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि जिनका काम भी किया डेटा भी नहीं है। अब क्या क्या काम किया आप, जो एक कैंडिडेट मान लो क्या क्या काम कर रहा है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाना कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, लोगों को नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा तो किसी को सपना थोड़ी आता, आपको तो बताते रहना पड़ेगा ना कि हमने ये किया, हमने आपके लिए ये किया। तो वो जो उनका परसेप्शन बिल्डिंग है वो तो एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, एक ऑनगोइंग बेसिस पे आपको अलग अलग पब्लिक इवेंट्स में उनकी प्रेजेंस, पब्लिक इवेंट्स में प्रेजेंस के बाद, जैसे कई सारे कैलेंडर में आप देख लो कितने सारे पब्लिक इवेंट्स हैं, वहां पे उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, उस प्रेजेंस में किन लोगों से मिल रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, राइट। फंड्स के लिए अगर जो जीते हुए उनके कोई एरिया में कोई प्रोजेक्ट करना है, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए उसकी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के लिए पूरा डीपीआर बनता है, वो डीपीआर अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑफिसेज में जाता है, उन ऑफिसेज से काम करवाना कि वो जनता का काम है, जनता का काम है, तो बहुत सारा काम रहता है, काम तो कभी खत्म ही नहीं होता है। जो जीत गया उसके लिए उसको करना है तो कभी भी कोई पूरा काम तो कर ही नहीं पाता, इसीलिए हार जाता है, लोग अनसेटिस्फाइड इसीलिए तो रहते हैं। और जो हारा हुआ है उसका काम अगेन एक वॉचडॉग का है कि भाई क्या क्या नहीं हो रहा है, और उसके पास तो, और देखो जब जीत गए तो आप पे तो बहुत सारा प्रेशर है कि बहुत सारा काम करना है, जब आप हार गए तो आप बहुत फ्री हो कि आपको काम भी नहीं करना है, सिर्फ सामने वाले जो काम नहीं कर रहा है उसको भी बोलना है, और अपने लीडरशिप में भी अपना किस तरीके से ऊपर जाओ, लीडरशिप में, लीडरशिप के क्लोज कैसे जाओ, ये काम के लिए भी आपको टाइम मिला है। करेक्ट। तो काम कहाँ खत्म हुआ, कभी आपने देखा एक पॉलिटिशियन सिर्फ चुनाव के समय ही आता है, वो तो पूरे समय ही सूट बूट पहन के क्यों कुर्ते पजामे में दिखता है आपको, काम हमेशा रहता है। आप जिनके पास, जिनका इलेक्शन नहीं है, आप उनके ऑफिस में जाके बैठो, उनसे पूछो कि सर मैं आपकी मदद करने आया हूँ, आप क्या चीज में आपकी मदद करूं, देखो फिर वो खुद आपको बताएंगे कि मुझे ये करना है या वो करना है। बैठो, उन 2 दिन ऑफिस में बैठोगे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या गैप है। ठीक है, तो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आज का सेशन कंक्लूड करते हैं।
और एक बार फिर से आप सबको कहेंगे कि लिंक्स आप लोग अपने सर्कल में शेयर करिए और लोगों को कम्युनिटी में जोड़िए, उससे सबका फायदा है। प्रोग्राम में आइए, जो आ गए हैं वो भी अपने आसपास वालों को, अपने टीम मेंबर्स को बोलिए कि प्रोग्राम ज्वाइन करें। और प्रोग्राम ज्वाइन करने से आपको प्रायोरिटी सपोर्ट भी मिलता है, जैसे जब आप सेशन नहीं भी है तो भी आप आपको हमारा सपोर्ट रहता है, जो कि जो लोग प्रोग्राम में नहीं है वहाँ पे ऐसा हम कोई कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स के साथ तो डेफिनेटली मेरी कमिटमेंट है और मेरा भी एक लिमिट है कि मैं अनएंडिंग तो अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, इसलिए प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स को प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है। तो अगेन जो नहीं, जिन्होंने ज्वाइन किया पहले, तो आप खुद ज्वाइन करो, सीखो, और मैं कहूँगा आज ले लो, अगले हफ्ते मनी बैक ले लेना नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। और एक्शन लेते रहिए, एक्शन लेंगे सिर्फ प्रोग्राम भी लेने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेते रहिए, उसी से आप वो सीखेंगे और पता चलेगा कि जो आप कर रहे हो वो क्या डिरेल तो नहीं है, वो रेल पे ही है और कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, अनी का लास्ट क्वेश्चन है। सर लिंक नहीं भेजे, लिंक व्हाट्सएप आएगा क्या प्रोग्राम इनरोल करने का? चैट पे लिंक नहीं आया आपको? आया था, मगर हम भूल गए थे, हम सोचे कि से व्हाट्सएप पर आ जाएगा। व्हाट्सएप पे जिस नंबर से हम मैसेज, कम्युनिटी में हो ना आप, हाँ, तो आप आज के मैसेज पे रिप्लाई कर देना या मुझे व्हाट्सएप भेज देना, हम एक बार चैट में फिर से लिंक भेज दे रहे हैं, अगर नहीं मिले तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप। यस सर, ठीक है, ठीक, चलिए फिर मिलते हैं। यस सर, थैंक यू, थैंक यू भास्कर सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू गणेश सर।